बिहार में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है, भोजपुरी गाने लोग बड़े चाव से भी सुनते हैं, लेकिन भोजपुरी पर सबसे ज्यादा अश्लीलता के आरोप है। मतलब यहाँ चोली के नीचे क्या है, मतलब बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो शायद हम लोग भी नहीं बोल पाएंगे आसानी से। तो वो क्या नीतीश कुमार उसी राह पर है? क्या नीतीश कुमार खुद ज्यादा आजकल सुनने लगे हैं ऐसे ऐसे गाने कि वो इस तरह के मिजाज में बन गए हैं? देखिए, अब नीतीश कुमार की दिनचर्या क्या है, उनकी रात की दिनचर्या क्या है, दिन की दिनचर्या ये उनकी, आपकी दिनचर्या कुछ भी हो, आप भोग विलास में अंदर रहे, आप कुछ कोई मतलब नहीं है, बिहारी हो आप कुछ भी करें, आप बिहार की अस्मिता का, आप भोजपुरी गाना खूब अश्लील सुने, चोलिया में हुक राजा जी, घोप राजा जी, चोली, क्या क्या मतलब बहुत सारा गाना है, लोग पसंद नहीं करते पर मिलियन ही बिलियन में जाता है व्यू, तो ठीक है नीतीश कुमार भी अश्लील चीज को सुने, मजा ले, भोग विलास में डूबे, कोई उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उनकी निजता के मामला है, पर इन्होंने हर बिहारी की निजता पर सवाल उठाया है, निजता को इन्होंने तार तार किया है, और ये एक अपमान है हर बिहारी का, हर लोगों की एक निजता की अधिकार होती है, उस अधिकार का मुख्यमंत्री ने सदन में, हम एक तरह से मतलब कहते हैं हनन उसको, किया है। हनन किया है, बिल्कुल सबको आपने सही चयन किया, सीधे उन्होंने हनन किया है, और इसे हनन का सिर्फ माफी हो, ये इससे शांत नहीं होगा, क्यों शांत नहीं होगा पिता, देखिए उनकी बात बहुत तेजी से वायरल हो गया, इतना तेजी से वायरल हो गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि आपने देश को बदनाम कर दिया है, बिल्कुल। देश को आपने शर्म से झुका दिया है, क्योंकि ये चीज पूरे विश्व में चला गया देखिए है। और एक एक मिनट, आप देखेंगे कि आप YouTube या Facebook या कोई भी सोशल साइट आप जैसे ही जाएंगे तो सिख जैसा शब्द बड़ा आसानी से आता है, आप जैसे ही SE लिखेंगे ना, मतलब बहुत सारे लाइन से आ जाएंगे, उसमें अब नीतीश कुमार भी आ जाएगा, आ जाएंगे। आप बताइए उसमें बिहार भी आ जाएगा, अब क्या मेरा वजूद देखिए रहेगा। अभी आप देखे होंगे कि हम बात करें वर्ल्ड लेवल की, दुनिया में बिहार के कितने गाने हिट होते हैं, जैसे तू लगावे लू जब लिपस्टिक जैसा गाना। आप देखिए कि क्रिकेटर्स भी, जो हमारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, सब लोग इस पे डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन अब शायद वो लोग इस तरह के गाने लगाने से बचेंगे। शायद अब लोगों को लगेगा कि भाई पब्लिक में अगर हमको जाना है या हमारा कोई ऐसा फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन है, तो कम कम से कम बिहारी भोजपुरी सॉन्ग नहीं लगाएं, नहीं तो लोग हमें गलत तरीके से ना ले बिल्कुल लें। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, इस तरह के माहौल बनेगा, हमने तो बताया कि इस तरह का माहौल बनेगा, और उन लोगों के लिए खास करते कि बिहार में इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, और ज्यादा असर पड़ेगा दिल्ली मुंबई या बाहर में जो रहते हैं उनको पड़ेगा, जो अपने बिहारी होने पर बार बार उनको संघर्ष करना पड़ता है कि मैं बिहार से हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, इसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है, इस संघर्ष में उनको एक और दुख का पहाड़ नीतीश कुमार ने दे दिया है, अब उनको संघर्ष में ये भी बताना पड़ेगा कि मैं गाना भी अच्छा सुनता हूँ, देखिए मैं एक किशोर दा का भी गाना सुनता हूँ, लता मंगेशकर का भी गाना सुनता हूँ, मैं अश्लील नहीं हूँ, भले मेरा मुख्यमंत्री अश्लील देखिए छठ पर्व आने वाला है, बिहार की पहचान छठ पर्व जैसी ये। है। अब जहां एक तरफ छठ पर्व मनाई जाएगी, तो देखते हैं आप विदेशों में भी लोग बहुत खुले दिल से मनाते हैं त्योहार, सोशल मीडिया पर लोग फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं और गर्व से लिखते हैं कि हम बिहारी हैं, हमारा ये छठ त्योहार है। लेकिन इस त्योहार के पर्व के मौके पर वो नीतीश कुमार का अश्लील बयान, गंदा बयान साथ में लोग पोस्ट करेंगे। आप छठ की फोटो डालेंगे, आप दिवाली की तस्वीर डालेंगे कि भाई बिहारी लोग सेलिब्रेट करें, तो नीचे कॉमेंट आपको लिखे जाएंगे कि आप भले कुछ कहते रहिए, कितना भी खुद को महान बताइए, लेकिन आपके तो मुख्यमंत्री अंदर ही अंदर बहुत कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए सही बात है आप बोल रही, देखिए मुख्यमंत्री ने किया है गड़बड़, एक रोड छाप लोग कोई करता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई भी करता, एक मंत्री भी बोलता ना तो इतना बड़ा असर नहीं पड़ता, पर मुख्यमंत्री पर सबको नजर होती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, आधुनिक युग का जमाना है, लोग बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं, और नीतीश कुमार जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई तो नीतीश कुमार पूरे देश में घूमे तो उनकी थोड़ा सा पॉपुलरिटी बढ़ी है, लोग सर्च सर्च इंजन में आने लगे हैं, लोगों के जेहन में आने लगे थे, तो नीतीश कुमार इस चीज को बोल रहे हैं तो इसका तो असर हर लोगों पर पड़ेगा, आप कुछ भी डालेंगे बिहार से, आपके दोस्त या आपके कोई भी कुछ लोग भी बाहर के लोग होंगे तो तंज कसते हुए इस चीज को लिखेंगे, मैंने पहले भी बोला कि अगर किसी मजदूर या किसी लोग पर या मुझ पर ही बाहर में ये आरोप लग जाए कि मैंने उस लड़की को छेड़ा है या उसमें सटा है, इसको घूर के देखा है, तो सुदिन मुझे आरोपी नहीं दोषी ही करार दे दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मेरे ऐसे हैं और ये भी इसी तरह के हैं, उनको मतलब पल पल ये मुश्किल होगा, जब से नीतीश कुमार ये बयान दिए हैं ना, नीतीश कुमार को इसका ख्याल नहीं,
थोड़ा सा भी ख्याल होता तो नीतीश कुमार इस तरह का बयानबाजी नहीं करते। वो पहले बिहारी जैसे शब्द जो हम लोग जिससे गर्व महसूस करते हैं उनके लिए गाली हो रही है सिर्फ लालू यादव के वजह से, इनके बड़े भैया के वजह से, अब लालू यादव के छोटे भाई मतलब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेक्स ज्ञान के वजह से सिर्फ उनको हर दिन जलील होना पड़ेगा, खास करके महिलाओं, बिहार के महिला जो बाहर काम कर रही है, काहे नहीं आईएएस ऑफिसर हो, काहे नहीं कुछ बड़ा साइंटिस्ट हो, कोई बड़ी कंपनी के सीईओ हो, पीछे पीछे तो लोग बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि यार क्यों मैं पैदा हो गया बिहार, पढ़ लिख के मैं इतना बड़ा आदमी और साहब के चंद शब्द किसके। अब बताइए जो बिहार से बाहर है उसके लिए बिहारी गाली हो जा रही है, आज जो बिहार से बाहर है उसके लिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई मजदूर बिहार से काम करने गया, छोड़ दीजिए बड़े लोगों का, कोई मजदूर बिहार से बाहर काम करने गया उस पर आरोप लग गया कि महिला के साथ छेड़खानी किया है, वहां के पुलिस वहां के लोग सीधे बोलेंगे कि इसके मुख्यमंत्री गंदे हैं, इसके मुख्यमंत्री अश्लील हैं, इसके मुख्यमंत्री की मानसिकता गलत है, तो ये आदमी गलत है। जो आदमी पर आरोप लगने वाला था वो आदमी दोषी करार हो जाएगा और सच उसको वहां सजा भी दे दिया जाए, मॉब लिंचिंग की घटना भी उसके साथ घटित हो जाए, इस तरह की स्थिति हो जाएगी। और नीतीश कुमार की मानसिकता नहीं आई है बिहार के हर लोगों को भी, ये तो सोच रहे हैं बिहार के लोग कि हम मेरे साथ क्या हो रहा है, पर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव इस चीज को नहीं सोच रहे हैं कि बिहार को हमने क्या दिया है, क्या दिया आपने, जो आप उस सोचते, देखिए लालू यादव अगर सोचते तो आज बिहार सब बिहारी शब्द गाली नहीं होता। देखिए वो जब जाते हैं उनके साथ माननीय जुड़ जाता है, उनके फैमिली के लोग जाते हैं उनके साथ माननीय जुड़ जाता है, पर आप और हम जाते हैं तो क्या जुड़ता है, बिल्कुल बिहार से हैं, बिहार से बिहारी, अब क्या जुटेगा, हम ज्ञानी है, किस चीज के ज्ञानी है भाई, हम गौतम बुद्ध वाले राज से आते हैं जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, उस ज्ञान को अधोमिल किए, जहाँ नीतीश कुमार कहाँ से आते हैं, नालंदा से आते हैं, जहाँ ज्ञान की अलौकिक छटा रही, मतलब वहाँ पूरे विश्व के लोग वहाँ ज्ञान लेने आए, आप क्या ज्ञान दे रहे हैं साहब, ये ज्ञान तो मतलब हर वयस्क आदमी जानता है, ये जानता नहीं है, हर पिता जानता है कि मेरे बेटे और बहू क्या कर रहे हैं। अर्पिता 2005 के बाद बिहार की तस्वीर बदल रही थी, लोग बिहार की तरफ देख रहे थे, जंगल राज को भूल रहे थे, लालू यादव के राज को भूल रहे थे, बिहारी गाली कहीं दब रही थी, और इसी बीच नीतीश कुमार का ये जुमानी बात आ गई, अश्लील बात आ गई, गंदी बात आ गई, सेक्स से जुड़ी हुई बातें आकर बिहार के मुंह पर एक बड़ा तमाचा। दीजिए आप तरीके से बोलते हैं कि बिहार के लोग एक समान की जिंदगी जीते, जो बाहर में है या बिहार के अंदर में, उनको भी लगता वो भी गर्व से बोलते कि सुनो देखो मेरे मुख्यमंत्री ने क्या ऐलान किया है, क्या देखिए जनसंख्या वृद्धि को लेकर उनका क्या ज्ञान है, कितना सोच है, एक छोटा गरीब राज है और एक गरीब राज होने के बावजूद भी सोच कितना विकसित है, देखिए जातीय जनगणना करवाया, आर्थिक सर्वे करवाया, आरक्षण बढ़ाने की बात कर रही है, सब सही है, और अब देखिए आप जनसंख्या के कैसे कम हो, सदन में चर्चा हो रहा है, कितना अच्छा बात है, बड़े लोग तो इसी तरह बात करते हैं ना, मजदूर की बात छोड़ दिए, छोटे लोगों की बात छोड़ दिए, बड़े लोग, तो इसे क्या होता है ना कि माहौल बनता है, अगर अन्य राज्य के लोग भी सोचेंगे बिहार में कुछ नहीं है, सोच कितना अच्छा है, बिल्कुल, पर आज क्या हो गया, बिहार का हाल क्या हो गया, बिहार में का बा, लोग बोलेंगे मजाक उड़ाएंगे बिहार में का बा, तो बिहार में सेक्स बा, यही बोलेंगे, सब क्या बोलेंगे, मतलब हम क्या कहें, मतलब मेरे साथ अंदर में बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, पर उस संवैधानिक जगह है, लोकतांत्रिक जगह है, पर एक मर्यादा भी है, उस शब्द को बोल नहीं सकते हैं, नीतीश कुमार उस मर्यादा को तार तार किए हैं, हर बिहारी उस मर्यादा को तार तार नहीं कर सकता है, तो नीतीश कुमार को इस चीज को सीखना चाहिए कि जहाँ गौतम बुद्ध और नालंदा जिस यूनिवर्सिटी जैसे जगह से आप आते हैं उस जगह को आपने अपमानित किया है। बिल्कुल आप वही ठीक बात कर रहे हैं कि जैसी संगति में आप रहते हैं तो आपकी पहचान भी उसी तरह से हो जाती है। अब देखिए बिहार के अंदर
लाखों करोड़ों बिहार के लोग रहते हैं, बिहारी लोग रहते हैं, अब रहते तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास ही हैं, तो अब नीतीश कुमार की ये संगति बिहारियों को बहुत भारी पड़ेगी। अब नीतीश कुमार के राज्य का होने का उनको भुगतान करना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा, और लोग उन पर ऐसी ओछी टिप्पणियां करके जाएंगे जिसका जवाब भी शायद वो लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो आप दूसरे को कह ही क्या सकते हैं। खैर, इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन अंतिम में इतना जरूर कहेंगे कि नीतीश कुमार शायद बिहार की उस गरिमा को कभी पहचान ही नहीं पाए, बिहार के उस ज्ञान को कभी जान ही नहीं पाए, इसीलिए उनकी जबान फिसली और ऐसी फिसली कि आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनका नाम अच्छे से नहीं बल्कि बुरे तरीके से ले रहा है। इस विश्लेषण में, इस चर्चा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। नमस्कार।